हेलो वन मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, KGF चैप्टर 2, रॉकिंग स्टार यश विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मॉन्स्ट्रस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है KGF चैप्टर 2 ने। बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी, वापस आपका स्वागत करूंगा विजय जी। क्या कहोगे इस मॉन्स्ट्रस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे? क्या बोलेगा, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने पहले भी कहा था थर्सडे के दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, चार दिन ब्लॉकबस्टर हो जाएगी पिक्चर। और आज भी मैं अभी गया था देखने के लिए, रिएक्शन आज भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे बाप रे, मैंने कहा था मंडे ही मुझे देखनी पड़ेगी पूरी फिल्म। कलेक्शन के बारे में तो हंगामा कर दिया। साउथ की मूवीज डब होकर हिंदी में 143 अभी तक किसी ने नहीं किया। तीन दिन में yes. 143 अभी तक। आज चौथा दिन है, संडे आज का और होगा। किसी भी बॉलीवुड एक्टर की फिल्म, बड़े से बड़े सुपरस्टार, किसी ने नहीं किया। yes. और कहते हैं वर्ल्ड वाइड 400 करोड़। yes. खत्म बात हो गई, हंगामा कर दिया। uh-huh. अब इसके आगे आप क्या कहोगे? रॉकी भाई का कमाल है। तो रॉकी भाई का कमाल है, वो कहते हैं ना कि मॉन्स्टर आ गया है बॉक्स ऑफिस पे। विजय जी, हिंदी बॉक्स ऑफिस पे मॉन्स्टर आ गया है। ऐसा मॉन्स्टर कहाँ है हमारे बॉलीवुड में? कोई भी नहीं है। दम तोड़ते थे, एक दो दिन में दम तोड़ते थे। आज लगातार, आज भी हाउसफुल है, आज का दिन संडे है, फुल एक्शन फिल्म है। लोग बताए बहुत एक्शन है, फिर भी लोग आ रहे हैं। यस, चलो ज़्यादा एक्शन है मानते हैं, लेकिन लोगों को मज़ा आ रहा है ना भाई, तभी तो लोग आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की इधर की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया का, वर्ल्ड वाइड चार दिन हाउसफुल था, वो सही बात है। yes. अभी तो 400 करोड़ हो गया। mm-hmm. और आज भी धमाल मचा रही है। yeah. मंडे से हो सकता थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता तो नहीं, लेकिन दमदार चलेगी। 400 करोड़ आ गया, अभी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ आ गया। विजय जी, बहुत सारे लोग, हम जब पब्लिक रिव्यू कर रहे थे, mm-hmm. कह रहे थे कि ये जो रॉकिंग स्टार यश है, यश यहाँ के हीरो नहीं, हॉलीवुड के लग रहे, हॉलीवुड के हीरो लग रहे। बाप रे, अभी तक उनके हाथ में बंदूक नहीं। जब संजू बाबा को जब सामना होता है, हाथ में बंदूक ने खाली ऐसा करते हैं तो कितने लोग सीटियाँ मार रहे हैं, उसके बाद फूक मार, फिर भी लोग चिल्लाते हैं। yes. कमाल का एक्टर है यार। विजय जी, ऐसा क्या है सिंगल स्क्रीन में, गेटी गैलेक्सी में और मल्टीप्लेक्स में, डिफरेंस क्या है ऑडियंस का? ऑडियंस का मास पब्लिक, सिंगल स्क्रीन में मास पब्लिक आती है, टिकट रेट्स कम होती है और लोग एंजॉय करते हैं। yes. सीटियाँ, तालियाँ, नाचना, वो सिंगल स्क्रीन में होता है। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है गेटी गैलेक्सी में। देखो रवीना जी आई, संजीव बाबा है, हंगामा हो गया। यश के इंतजार में है हम। हाँ, लोग इंतजार में यश कब आए। तो यहाँ का रिएक्शन अलग ही होता है। रात को 12 बजे आई या रात को 9 बजे आए, पब्लिक इधर जाम होती पूरी, तो यहाँ की बात ही अलग है। और मल्टीप्लेक्स में लोग आराम से बैठते हैं। हाँ। चुपचाप देखे पिक्चर देखते हैं। मल्टीप्लेक्स में लोग वो इमोशन क्रिएट नहीं कर पाते। यहाँ पे लोगों में वो इमोशन है जब फिल्म देखते। मल्टीप्लेक्स में जो कॉमेडी पिक्चर हो, एक्शन हो, सब चुपचाप ही बैठते, हमको पता ही नहीं चलता रिएक्शन क्या हो रहा है, कुछ नहीं। और यहाँ देखिए, यश ने एंट्री की नहीं, ख़त्म। अरे हज़ार के हज़ार लोग चिल्लाते हैं। yes. ऐसे नहीं 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, पूरे थिएटर चिल्लाते हैं। पूरे हज़ार लोग एक साथ में चिल्लाएंगे तो क्या होता है, पड़ाव पड़ जाता है, अलग ही क्रेज़ है। यस यस, विजय जी आपने कहा था कि KRK ने अगर फ्लॉप बोला तो पिक्चर हिट है। राइट। यस, सही बात है, बात सही हो गई ना। KRK ने जितनी पिक्चर फ्लॉप बोली सब सुपर हिट, सब 500 करोड़ के पार। और क्या प्रेडिक्शन क्या लगा रहे हो? सबसे बड़ी बात है ऑडियंस। हाँ। ये क्रिटिक्स जो है ना, कुछ भी बोलते हैं। हाँ। मैंने ऑडियंस वही पैसा कमा के देती है ना। करेक्ट। पिक्चर अच्छी लगी ऑडियंस को, पिक्चर सुपर हिट, फिर आप क्रिटिक्स वाले कुछ भी बोले कि ऐसी है, वो है, लंबी पिक्चर है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को मज़ा आना चाहिए। 2.5 दिन, सबसे बड़ा दिन की पिक्चर लंबी, 2 घंटे 50 मिनट की, और इनके पीछे 3 घंटे की होती है। yes. ये बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत लोगों को पूछा कि 2 घंटे 50 मिनट 3 घंटे की पिक्चर है, सभी लोग यही बोल रहे कि समझ में नहीं आया। लेकिन जब बॉलीवुड के लिए पूछते तो बोलते यार 1.5 घंटे में, 2 घंटे में सर दुख गया। ये इनका मेकिंग की कमाल है। yes. मेकिंग है, स्टोरी इनके पास है, उनके पास है बनाने के लिए कंटेंट। यस, तो ये लोग बनाते हैं। राइटर्स है उनके पास, राइटर्स है। स्क्रीन पे कितना अच्छा चल रहा है, देखो 2 घंटे 50 मिनट की पिक्चर है, कितना फास्ट चल रहा है, कहीं आपको स्लो लगेगी नहीं। बराबर पंचेस आ रहे हैं, डायलॉग्स आ रहे हैं, कहीं कहीं कॉमेडी आ रही है, एक्शन सीन आ रहे हैं, जो लुक है संजीव बाबा का, इसका यश का, बराबर टाइमिंग मैच हो रहा है, रवीना जी का एंट्री, सब कमाल है ना सब। यस यस, विजय जी आपने पब्लिक का नाम लिया,
तो जब साउथ के जो स्टार्स हैं हम देखते हैं, पब्लिक को बहुत इज्जत देते हैं जी हाँ, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती है। सही बात है, इसलिए लोग और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, सही बात है। साउथ के लोगों को, एक्टर को, साउथ के हीरो को, एक्टर को भगवान क्यों मानते, इसलिए क्यों एक्टर बड़े आराम से आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते। अभी याद आए थे रामचरण, कितने बड़े प्यार से हाथ जोड़ के, ये बात होती है, इस लोग उसे भगवान मानते। और फैन के साथ ऐसे रिलेशन रखते हैं वो लोग, खुद मोबाइल लेके फोटो गिराते हैं, खुद सेल्फी, और हमारे एक्टर मोबाइल तोड़ देते हैं उनके बॉडी गार्ड लोग। ये फर्क है। अपने आप है, मुझे सिर्फ दिखा अभी जो दिन संजू बाबा आए थे, सेम वैसे सेम संजू बाबा ने इंटरेक्शन, संजू बाबा खुश हो गए, पब्लिक खुश हो गए कि संजू बाबा ने इतना अच्छा व्यवहार किया लोगों के साथ, बहुत बड़ी बात है। जो ऊपर चढ़ गया उनसे भी हाथ पकड़ रहा था वो बहुत बड़ी बात है। फाइनल फाइनल क्वेश्चन विजय जी, क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन क्या करोगे, और कितना कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे केजीएफ चैप्टर 2? 500 प्लस हो जाएगा, अभी 500 प्लस हो जाएगा आज के दिन, 400 तो हो ही गए, हो सकते हैं। ओके यस ओके, 500 तो है, और भी चलेंगे ना, और भी चलेगी। अगले हफ्ते 22 तारीख को आने वाले शाहिद कपूर जर्सी, क्या लग रहा है? जर्सी का मानो थोड़ा ठंडा लग रहा है, हो सकता है पिक्चर बहुत अच्छी हो लेकिन इमोशनल है, इमोशनल टोटल इमोशनल स्टोरी है, तो देखिए अभी। ओके, वो शायद मल्टीप्लेक्स ही हो सकता है, सिंगल सीन की ना हो। रमजान चल रहा है फिर भी हाउसफुल है विजय जी। अरे बहुत बड़ी बात है, लोग डरते हैं आईपीएल हो या रमजान हो पिक्चर रिलीज नहीं करते, ये तो उल्टा हो गया ना। जब रमजान एंड होगा, ईद होगी, ईद होगी उसके बाद में और कितनी लंबी लाइन लगेगी। ये सब गलत बात होती है, बोले रमजान में पिक्चर रिलीज मत करो, ऐसा कोई बात नहीं। एक जमाना था रमजान और आईपीएल का, नहीं कोई क्या बोलते मैच का फाइनल मैच था, तभी बीवी नंबर वन लगी थी, सुपर हिट हुई थी उस जमाने में सलमान खान की। ओके, तो ऑडियंस अलग है, क्रिकेट के अलग है, पिक्चर के अलग है, सबके अलग अलग ऑडियंस है। ओके, तो जरूरी नहीं रमजान तो पिक्चर पब्लिक नहीं आई थी ना, बाकी लोग नहीं, बाकी तो लोग है ना। चलिए ओके, सो दिस वाज द रिएक्शन फॉर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि किया है केजीएफ चैप्टर 2 ने, 3 दिन में 143 हिंदी में और 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस किया है। अब देखते हैं और कितना कलेक्शन होता है केजीएफ चैप्टर 2 का। हम आएंगे आपके पास में विजय जी, आपके ऑनेस्ट रिव्यू और रिएक्शन के लिए, क्योंकि आप जो बोलते हो लाखों करोड़ों जनता सुनती है, और आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ है। थैंक यू।